शादी से पहले मसूरी जाओ, मम्मी से पहले दार्जिलिंग जाओ। So we are all set to go to Darjeeling. Plan is on. कहानी के बीच में रोकने के लिए खेद है क्योंकि इंट्रोडक्शन भी जरूरी है। All right, boys and girls, ladies and gentlemen, this is me, Rati Shankar Shukla, and welcome back to the third chapter of Darjeeling Wala Vlog. जिन लोगों ने अभी तक मिर्ज़ापुर नहीं देखी, उन्हें मालूम नहीं है कि रति शंकर शुक्ला कौन है और उन्होंने ऐसा क्या कांड किया था कि उन्हें रति शंकर शुक्ला बुलाया जाता। आजकल हमारे लौंडे हमें रति शंकर शुक्ला बुलाते हैं क्योंकि हमने उन्हें धोखा दिया है, हमने उनके पीठ पे छुरा भोंके हैं, हमने उन्हें दार्जिलिंग वाला वादा करके हम उनके साथ दार्जिलिंग नहीं गए और इसी कारण हमारे लौंडे हमें रति शंकर शुक्ला बुलाते हैं। और हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से बात करके ये जिम्मेदारी ली कि हम आपको दार्जिलिंग दिखाएंगे और वो भी 7 से 8 मिनट के अंदर आपके घर पे बैठा के आपको बिना ठंड लगाए हुए। तो अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए और हमारे साथ हाँ चलिए आज दार्जिलिंग वाले सफर। Let's rock guys, let's rock! ये बंदा थोड़ा फुटेज खाता है। तब हम लोग दार्जिलिंग की तरफ हेड कर रहे हैं, बस टाइम में ही है, तो देखते हैं कैसा जर्नी होता है। लेट्स सी, हेडिंग टुवर्ड्स दार्जिलिंग। नाउ वी आर एट फलाकाटा। तो अब हम लोग सब शिलीगुड़ी के बस स्टेशन में बैठे हैं, बस स्टैंड में गाड़ी के लिए वेट कर रहे हैं। अभिषेक और लोहित दा और दामाई गया है सनग्लास खरीदने के लिए, तो देखते हैं। उसके बाद हमारा बस है 9:30 बजे, तो हम उसके बाद दार्जिलिंग जाएंगे, देखते हैं क्या होता है। चलो, आप अगर उन 76% व्यूअर्स में से हो जो हमारा ब्लॉग देखते हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो लाल कलर वाले सब्सक्राइब बटन पे हथौड़ा मारिए, और ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन हो तो बेल आइकन को भी 2-3 चाटा मार ही दीजिए और चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। सब ठीक है? तो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, हम लोग पहुंच गए सिलीगुड़ी एंड आपको तो पता ही है कितनी मुश्किलों के बाद ये वीडियो कर पाए हम। तो अभी कुछ देर में हम लोग दार्जिलिंग के लिए निकल पड़ेंगे अपने टाटा सुमो में। अभी सब लोग आराम से खा रहे हैं, चलो तो बाय। हमें घर से कैसे प्रॉब्लम है पड़ेंगे दामाई, आपका अभी तक का सफर कैसा था? आपका अभी तक का सफर कैसा था? अच्छा ठीक है। मिनाल दा, अभी तक का सफर कैसा था? बहुत रोमांचक रहा, बहुत एडवेंचरस रहा, और भी रोमांचक व्यूज आप लोग को मिलेंगे। और आशा रखता हूँ ऐसे अच्छे अच्छे कंटेंट इस चैनल पे आएगा कि बहुत अच्छा लगेगा आप लोगों को। थैंक यू मकबूल भाई, सॉरी थैंक यू मिनाल भाई, एंड इट मीन्स अ लॉट टू मी। और इतनी इज्जत तो हमारे घर वालों ने भी आज तक हमारी नहीं की। सो गाइस, वी आर इन दार्जिलिंग, मोर देन 7000 मीटर्स। यो ब्रो, नाउ वी आर गोइंग टू नोरबूस गेस्ट हाउस, जहाँ पे हम लोग का रहने का बात है। As we all can see that we have reached our destination. This is our hotel room and there's a surprise waiting for you all. Yes, there it is, Kanchenjunga, that side. We can see it from right from our window pane. For a better view, let's see it from this side. You can see those mountain ranges from far behind, that's Kanchenjunga. From room, this is the view.
And if you go to the veranda, there's a clear view of Kanchenjunga. As you can see, the mountain ranges over there. The scenic beauty from here is awesome, really awesome. There's only one word for this. And down there. Hey Samita, Ago Samita. Hi. अरे कहीं देखो अपने मकबूल भाई को ऐसे नाचते हुए, ये सिर्फ टीवी सीरीज पे पॉसिबल है। तो गाइस हम लोग अब चेंज वेंज करके सब लोग आ गए हैं। हम लोग अभी थोड़ा राउंड पे निकले हैं। इस जगह का नाम है केवेंटर्स, आप लोग सब जानते होंगे। यहाँ पे बर्फी फिल्म का शूट हुआ था, रणवीर कपूर का, वो आप पीछे देख पा रहे हैं, पीछे देख रहे हैं वहाँ पे वो क्लॉक टावर। बर्फी में आप बहुत फेमस देखे होंगे। ये रहा हमारे भाई लोग, चलो हम भी खाएंगे। चलो फिर बाय। दार्जिलिंग में टाइगर दार्जिलिंग में टाइगर हिल का सनराइज देखने के लिए लोग बहुत दूर से आते हैं, और हमारे लॉन्डो ने भी वहाँ पर भी जाके काम 25 वाले वाइब्स किए हैं और उसे भी कैप्चर किया स्लो मोशन के साथ। सो हेलो गाइस, हियर वी आर हियर फॉर सीइंग द ब्यूटी ऑफ द नॉर्थ ईस्ट। द मेन ब्यूटी ऑफ द नॉर्थ ईस्ट इज द टाइगर हिल्स, सो यू कैन सी इट बैक देयर। यार इट विल कम मोर क्लियर आफ्टर द सन राइजेस फुल्ली। द सन विल राइज एट अप्रोक्सीमेट 6:20 AM, and now it's like 6 AM. I'll show you the scenery properly after we see the sun getting up. So it's very cold out here and it's very hard to record something. So bye friends, see you later. Deep, Damai, Abhishek, Lohitda, then Rivu and Minal. इन सबको थैंक्स बोलना चाहता हूँ। इन लोगों ने इस ब्लॉग में मुझे बहुत सपोर्ट किया है और मैं चाहता हूँ कि इस तरह इन लोगों का सपोर्ट हमेशा बना रहे। इतना उत्साह तो रहने को बोलते हैं हमारा आवाज़ जैसे। वाव वाव वाव